नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस टीचर टॉक्स लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एवरी मंडे वाला ब्लॉग। तो गाइस, वो अभी ठंड का मौसम है और मेरे पास सिर्फ एक जैकेट है, एक जैकेट अंदर है और एक जैकेट बाथरूम बाथरूम में हुडी टंगी है, लेकिन इस सर्दी में हुडी नहीं चलेगी। तो इसलिए मेरे को यहाँ से हुडी यहाँ से जैकेटें निकालनी है, पजामा निकालने। लेकिन उससे पहले ये अलमारी देख रहे हो, जिसका टूटा हुआ है, वो हाथ टूटा हुआ है, वो करनी है वो क्लियर, ताकि जो कपड़े यहाँ से निकालूँ वो यहाँ पे डालूं, और जो कपड़े यहाँ से निकालूं वो यहाँ पे डालूं। तो देखता हूँ क्या कैसे करूँगा। फिलहाल तो ये अलमारी खोलता हूँ, हाफ स्लीव की जाल गर्मियों को डालता हूँ इसमें, इसके डालता हूँ यहाँ पे ये। और इसका ना ये है, ये यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से टूटा हुआ है। और इसके लिए मेरे को यहाँ से कैंची लेनी पड़ेगी, कैंची, और कैंची लेके इसकी बैक साइड में ये ऐसे घुसाना पड़ेगा, फिर इसको ये तो दोस्तों, ये वाले जो कपड़े हैं, ये वाले, इसको पहले धूप लगाऊंगा, ठीक है। धूप लगाने के बाद, ये करने के बाद, ये वाले कपड़े, ये वाले कच्चे बनियान, इसको डालूंगा ये बेड के नीचे। तो यह मैंने निकाले हैं 5-6 जोड़ी कपड़े, और अभी मैं हूँ अपने बैल्कनी में, जैसा कि आप देख सकते हो। और 5-6 जोड़ी में से है 2-3 जैकेट, एक पजामा, एक थर्मल, एक और एक शर्ट। तो आइए चलो उसको लगाते हैं धूप। जैकेट नंबर 1, सॉरी 2 पजामा, एक ये पजामा, गला खराब है, ये थर्मल है यूनिक्लो की, और इतनी गर्म है आप, मतलब अगर ये पहन के बाहर चले जाओगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये परी है मेरे को 699, 799 की, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, ज़रूर लेना, ज़रूर लेना। ये यूनिक्लो की है, ये आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ लिखा है, ये यहाँ पे कुछ लिखा है। इस थर्मल का नाम है हीट टेक, हीट HEAT, हीट टी ECH, हीट टेक यूनिक्लो। तो इसको जरूर लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। ये जैकेट जो कि मैं कभी पहनता नहीं हूँ, कभी पहनी नहीं है, इस बार शायद मौका पाएगा तो पहनूंगा। ये जैकेट, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसमें हुडी है, मतलब आपको तो पता ही है कि ब्लैक बॉयज़ का कितना फेवरेट कलर होता है। नहीं पता हो तो गूगल कर लो, बॉयज़, कैन यू अंडरस्टैंड। अगर कोई बॉयज़, अगर कोई लड़का देख रहा है तो उसको पता होगा कि जो काला रंग है वो हमारा कितना फेवरेट है।
ये मैं एक थर्मल की तरह यूज करता हूँ ये। अब आती है मेरी फेवरेट हाँ जी हाँ मेरी फेवरेट एयरपोर्ट लुक वाला पजामा ये, क्योंकि इसकी अब चुप हो जा कैं 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 तुम ही बोलो पहले। हाँ क्योंकि इसमें ये वाइट लाइनिंग है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पोर्ट्स फिला लिखा है, और मतलब इसको पहन के आप अगर निकल जाओ तो सामने वाला मुड़ मुड़ के देखेगा, मुड़ मुड़ के। हाँ और मतलब इतनी क्लासी फिट आती है। और मेरी टांगे हैं पतली, तो मेरी टांगों का परफेक्ट शेप आता है, परफेक्ट थाई आता है, परफेक्ट काफ्स आता है, और मतलब भागने में भी आसानी है, इससे आपको ठंड नहीं लगती। और एक और पजामा है मेरे पास, वो मैं आपको एक दो वीडियो में बता दूंगा। अब ये तो हो गई ठंडी के बाहर निकाल लिए, अब जो गर्मी के हैं, गर्मी के भी तो अंदर रखने है ना, तो चलो गर्मी के अंदर रखते हैं और वापस टंकी खोलते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, जाके करके आओ, मैं मिलता हूँ आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। लाइक कर। तो यार आज के लिए सॉरी, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी अभी मैं आ रहा हूँ और अभी अभी बज रहे हैं सिक्स बज रहे हैं कि क्या बज रहे, कितने बज रहे हैं, एक मिनट फ़ोन देख के बताता हूँ आपको। 6:40 तो अभी बज रहे हैं 6:40, तो अभी अभी मैं आ रहा हूँ वॉक से और बहुत थका हुआ हूँ यार कसम से। और वीडियो बंद करने के बाद या तो आज या तो कल लगाऊंगा मैं अलमारी। तो क्या देखोगे अलमारी में, कुछ ऐसा है नहीं। देखो ना तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है मनीष मल्होत्रा से, ना कोई ना वो मेरे को जानता है, ना मैं उसे मानता हूँ। ठीक है तो क्या ही देखोगे, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ बन जाना है मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का आइकन @upamanyuupa, वहाँ पे करो मेरे को फॉलो, ताकि वहाँ पे ना मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट। और संडे को एक और वीडियो शूट करनी है, वो मैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद करूँगा। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट।